ये है आज की बड़ी अपडेट। यहाँ न्यूज निकल के आ रही है कि बीएमसी के सीरो सर्वे से पता चला है कि मुंबई के 50% से अधिक बच्चे में कोरोना के एंटीबॉडीज हैं। जी हाँ, उस तक बता दें, बीएमसी द्वारा आयोजित एक सीरो सर्वे में पता चला है कि मुंबई में 50% से अधिक बच्चों में कोरोना एंटीबॉडीज है। दोस्तों, 1 अप्रैल से 15 जून 2021 के बीच 24 वार्डों में आयोजित सर्वे में अलग अलग मेडिकल जांच के लिए लेबोरेटरी पहुंचे 2176 ब्लड सैंपल्स की जांच की गई है, जिसमें ये पता चला है कि 1 से 18 आयु वर्ग के बच्चे में समग्र रूप से सीरो पॉजिटिविटी दर 51.18% रही है। दोस्तों, इस समय दो चीज़ का पता चलता है। पहली चीज़ ये कि दूसरी लहर ने बच्चों को भी काफ़ी ज़्यादा संक्रमित किया है, जिसकी वजह से उनके शरीर में भी कोरोना की एंटीबॉडीज डेवलप हो चुकी है। दोस्तों, वहीं दूसरी बात हमें ये पता चलता है कि मुंबई में 50% बच्चे ऐसे हैं जिनके अंदर कोरोना की एंटीबॉडीज डेवलप हो चुकी है। ऐसे में अगर तीसरी लहर आती है तो बच्चों के ऊपर कम असर पड़ेगा, जिससे तीसरी लहर से बच्चे बच सकते हैं। दोस्तों, अगर हम इस न्यूज़ के पॉजिटिविटी साइड को देखें तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। आपको इस न्यूज़ के ऊपर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आप ऐसे न्यूज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।